हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीओ 7 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक, जो कि मैंने चूज़ किया है यूनिट नंबर 1 से। इससे पहले भी मैंने आपको यूनिट 1 की एक वीडियो प्रोवाइड की है, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक फिनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि है की एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट दी कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और अब डिस्कस करेंगे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें जो एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ प्ले करता है, और आपको बेस्ट आंसर मिलेगा। डायग्राम्स मैंने बहुत सारे ऐड किए हैं जिससे कि आपको आंसर याद रखने में कोई दिक्कत ना हो, एंड पेपर में आप डायग्राम्स बना भी सकते हैं वो, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो आवर मिशन इज़ टू स्कोर 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स, एंड आई डेफिनेटली हेल्प यू। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, जिससे कि फ्यूचर जो वीडियोज़ आएंगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की और अदर सब्जेक्ट्स की उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे और अगर आपको ये यूज़फुल हो, तो आप लाइक करना मत भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ऑलराइट गाइस, सो फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, एंड बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिनेंशियल मैनेजर कैसे इन्वॉल्व होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप बोल सकते हो बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट आपका होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके बाद जो हमारा डिपार्टमेंट आता है वो होता है सेल्स डिपार्टमेंट, नंबर 3 डिपार्टमेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और यू कैन से एचआर डिपार्टमेंट, और चौथे नंबर पे आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट होता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर में। एंड चलिए, तो पहली स्लाइड से आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, आई एम श्योर कि ये स्लाइड आपको समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक इंडिविजुअल होता है जो कि होता है आपका फाइनेंस मैनेजर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं CFO। तो जो हमारा चीफ फाइनेंस ऑफिसर या फिर फाइनेंस मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत क्रूशियल स्टेप्स लेता है और पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस चाहिए, फंड चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, उनसे रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं वो आपका लेगा कौन, फाइनेंस मैनेजर, या फिर आप कह सकते हो CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो इस स्लाइड का भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोनों स्लाइड्स हैं, एंड अपने आंसर को लिखते टाइम पर ये दोनों पॉइंट्स आपके इंक्लूड होने चाहिए, जिससे कि आप क्या कर सकें, अपने मार्क्स बूस्ट कर सकें। तो अभी तक हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एंड आई एम श्योर कि ये दोनों स्लाइड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, एंड अब इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द की एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। So let's start with the point number one. So point number one says, in a business firm, the financial manager occupies a very important position. तो अपना आंसर लिखते टाइम पे बहुत ही सिंपल पॉइंट्स लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ते टाइम पर कोई दिक्कत ना हो, एंड जैसे जैसे आप आंसर बढ़ाते जाएंगे हम अपने पॉइंट और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो बात करें किसी भी बिजनेस फर्म की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है या फिर चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की, एंड सेकंड पॉइंट सेज द फाइनेंशियल मैनेजर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजरियल टीम।
तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजरियल टीम होती है उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजर का रोल होता है वो बहुत ही डायनामिक होता है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर को क्या बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेट मैनेजरियल टीम। तो हमारी जो कॉरपोरेट मैनेजरियल टीम होती है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजरियल टीम होती है उसका सबसे डायनामिक मेंबर किसको बोला जाता है, फाइनेंशियल मैनेजर। सो माय क्वेश्चन इज हु इज द मोस्ट डायनामिक मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजरियल टीम, द आंसर विल बी फाइनेंशियल मैनेजर। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मीनिंग होता है कैरेक्टराइज बाय कॉन्स्टेंट चेंज एक्टिविटी और प्रोग्रेस। सो एक फाइनेंशियल मैनेजर जब भी आपका काम करता है तो उसका जो डिपार्टमेंट होता है उसका रोल बहुत ही डायनामिक होता है, बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होता है। फाइनेंस मैनेजर का काम फिक्स नहीं होता, उसको सारे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है और ये इंश्योर करना होता है कि जो फाइनेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइमली अवेलेबल रहे। तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजर को क्या बोला जाता है, वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक मेंबर्स ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजरियल टीम। ओके, नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट सेज द फाइनेंशियल मैनेजर्स हैव अ कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग जॉब। तो जैसा हमने डिस्कस किया पॉइंट नंबर टू में, तो फाइनेंशियल मैनेजर होता है एक डायनामिक मेंबर होता है कॉर्पोरेट मैनेजरियल टीम का, तो जो जॉब होता है फाइनेंशियल मैनेजर्स का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग होता है। ध्यान रखिएगा जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनका जॉब बहुत ही क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यानी कि डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होता है। तो याद रख लीजिएगा पॉइंट नंबर थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजर्स का जो जॉब होता है कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। चलिए तो आई एम श्योर कि ये स्लाइड्स अभी तक आपको तीनों आ चुकी होंगी समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर स्लाइड पर। सो नेक्स्ट स्लाइड का पॉइंट नंबर वन कहता है द फाइनेंशियल मैनेजर एनालाइज फाइनेंशियल डेटा प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट्स, मॉनिटर द फर्म्स फाइनेंशियल स्टेटस एंड प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल प्लान्स। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर की अगर हम बात करें तो बेसिक टास्क क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बेसिक टास्क होता है कि जो आपकी अकाउंट्स की डेटा है जो अकाउंटेंट के थ्रू प्रिपेयर की जाती है उस फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क क्या है हमारा फाइनेंशियल मैनेजर का, अकाउंटेंट्स के थ्रू जो आपके फाइनेंशियल डेटा प्रिपेयर की जाती है उनको एनालाइज करना। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्क होता है कि आपकी जो फर्म है उसके फाइनेंशियल स्टेटस को मॉनिटर करना, और उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स होती हैं किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर की वो होती हैं आपके फाइनेंशियल प्लान्स को प्रिपेयर और इम्प्लीमेंट कराना। आई रिपीट, फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या करता है, सबसे पहले आपका एनालाइज करता है फाइनेंशियल डेटा को जो कि अकाउंटेंट के थ्रू प्रिपेयर की जाती हैं, एंड देन ही यू नो मॉनिटर द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर दैट ही प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट देम एज वेल। ओके, तो ध्यान रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट सेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर आर डायनामिक एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड। तो बात करें कि जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ होती हैं फाइनेंशियल मैनेजर की ऑर्गेनाइजेशन में वो आपकी कैसी होती हैं, डायनामिक। डायनामिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि बहुत अलग अलग टास्क उसको डेली बेसिस पर करने पड़ते हैं, और जो आपके ये टास्क होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ड्यूटीज़ होती हैं फाइनेंशियल मैनेजर की वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। तो आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन वाइड जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो फाइनेंशियल मैनेजर को प्ले करनी होती हैं। सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन योर माइंड कि द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर्स आर डायनामिक एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड। कैसी होती हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ फाइनेंशियल मैनेजर की, डायनामिक एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड, यानी कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे उसको क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अब नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट सेज वन डे द फाइनेंशियल मैनेजर मे बी डेवलपिंग अ बेटर वे टू इम्प्रूव कैश कलेक्शंस एंड द नेक्स्ट ही मे बी एनालाइजिंग अ प्रपोज्ड एक्विजिशन। तो बात करें किस तरीके से आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ आपकी डायनामिक एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड होती है, तो वो पॉइंट नंबर थ्री आपको एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि जब भी एक फाइनेंशियल मैनेजर वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कई सारे डिपार्टमेंट्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना होता है और कई अलग अलग तरह के काम करने होते हैं। हो सकता है किसी दिन आपका जो फाइनेंशियल मैनेजर हो उसको आपका जो कैश कलेक्शन होगा आपके जो
डेटर्स होंगे उनसे कैश कलेक्ट करने में, वो आपको कोई नई वे सजेस्ट करे कि किस तरीके से आप अपने कैश कलेक्शन को डेवलप कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, और हो सकता है कि कभी कभी आपको कुछ यू नो एसेट परचेज करना है तो उसके रिगार्डिंग आप एडवाइस ले रहे हो फाइनेंशियल मैनेजर से कि वेदर वी हैव सफिशियंट फंड्स अवेलेबल टू एक्वायर दैट पर्टिकुलर एसेट और नॉट। तो फाइनेंशियल मैनेजर आपका हर डिसीजन लेने से पहले क्या करता है, अपनी एडवाइस ज़रूर देता है हर डिपार्टमेंट को। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इस स्लाइड में एक डायग्राम के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में एक फाइनेंशियल मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना होता है, ठीक है। तो डायग्राम पर अच्छे से फोकस रखिएगा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। सो अगर आप लिख कर रखना चाहें तो लिख कर रख लीजिएगा, नहीं तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो ये देख लीजिए, हमारा फाइनेंशियल मैनेजर आ चुका है, ठीक है। तो जैसा है आपका फाइनेंस मैनेजर बोल लीजिए, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बोल लीजिए, CFO आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है उसके साथ में क्या कोऑर्डिनेशन होता है, तो फाइनेंस मैनेजर जो होता है प्रोडक्शन मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करता है जब भी कोई न्यू प्लांट या फिर एग्जिस्टिंग प्लांट से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है। तो ध्यान रखिएगा, इफ वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, तो इट्स ऑर्गेनाइजेशन वाइड। सो हाउ द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज ऑर्गेनाइजेशन वाइड, सो द फर्स्ट थिंग दैट अ फाइनेंशियल मैनेजर इज सपोज टू डू इज टू इंटरेक्ट विद द प्रोडक्शन मैनेजर फॉर परचेजिंग अ न्यू प्लांट और फॉर सेलिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट। तो एक फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्शन मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करता है। एंड आई हैव गिवन यू अ सिंपल एग्जांपल, जब भी कोई नया प्लांट खरीदना है तो उसके लिए पैसे चाहिएंगे आपको, और पैसे चाहिएंगे तो कहां से अप्रूव होगा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे नहीं है तो कहीं ना कहीं से पैसे तो लाने पड़ेंगे। एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फाइनेंस मैनेजर की। तो एक फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद द प्रोडक्शन मैनेजर इन रिलेटेड टू परचेज ऑफ अ न्यू प्लांट और न्यू मशीन, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। सो नाउ बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट सेज अ फाइनेंस मैनेजर इंटरैक्ट विद द मार्केटिंग मैनेजर फॉर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो जब भी मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्लान करता है, फोरकास्ट करता है, तो उस टाइम पर वो फाइनेंस मैनेजर से इंटरेक्ट ज़रूर करता है। एंड ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट की जाएंगी उसमें आपका कॉस्ट इन्वॉल्व होगा एंड जो फंड्स रिक्वायर होंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कहाँ से आएंगे, वो फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसलिए याद रखिएगा कि एक फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, मार्केटिंग मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करता है फॉर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को फोरकास्ट एंड प्लान करने के लिए भी फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, अपना एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो आई एम श्योर कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। लेट्स प्रोसीड टू आवर थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट सेज अ फाइनेंस मैनेजर इंटरैक्ट्स विद द परचेज मैनेजर फॉर इन्वेंट्री लेवल। तो जब भी इन्वेंट्री लेवल को चेक करना होता है तो परचेज जो मैनेजर होता है वो इंटरेक्ट करता है फाइनेंस मैनेजर के साथ, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका यू नो सप्लायर होगा उसको पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो फाइनेंस मैनेजर देगा। तो इसलिए परचेज मैनेजर जब भी इन्वेंट्री लेवल डिस्कस करना होता है तो उस टाइम पर इंटरेक्ट किससे करता है, फाइनेंस मैनेजर से करता है। तो आप देख लीजिए हर डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, परचेज हो, कहीं ना कहीं इन सब मैनेजर्स को इंटरेक्ट करना पड़ेगा फाइनेंस मैनेजर से टू अप्रूव द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर देयर रेस्पेक्टिव टास्क। अब बात करेंगे चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अ फाइनेंस मैनेजर इंटरैक्ट्स विद सेल्स मैनेजर फॉर रिसीवेबल्स पॉलिसी। तो आप जब भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका कैश में ही प्रोडक्ट बेचा जाए, कभी कभी क्रेडिट सेल्स भी की जाती है। तो उस टाइम पर जो आपकी रिसीवेबल्स पॉलिसी होती हैं जो कि एक सेल्स मैनेजर बनाता है, तो उन पॉलिसीज को डिस्कस करना भी यू नो फाइनेंस मैनेजर के साथ ही किया जाता है। तो जो रिसीवेबल्स पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग सेल्स मैनेजर क्या करता है, फाइनेंस मैनेजर के साथ इंटरेक्ट करता है और आपकी बेस्ट पॉसिबल रिसीवेबल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन।
तो देख लीजिए, एक फाइनेंस मैनेजर का रोल, ये तो अभी मैंने सिर्फ चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, ऐसे कई और भी डिपार्टमेंट्स हैं, टास्क है जहाँ पर फाइनेंस मैनेजर की एडवाइस ली जाती है, बिकॉज जो आपकी अमाउंट रिक्वायर्ड होता है उस पर्टिकुलर डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो आपका फाइनेंस मैनेजर के थ्रू ही अप्रूव किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अगर आप नोटबुक लेकर चल रहे हैं तो उसमें लिख लीजिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छे से इन पॉइंट्स को लिख पाए आंसर में, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पर अभी हम आ चुके हैं एंड अब डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द की एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो काफ़ी सारे डायग्राम्स हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो द पॉइंट नंबर वन सेज इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इन द मॉडर्न डे बिजनेस द फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजेस द फंड्स इन सच अ मैनर विच एंश्योर देयर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड देयर प्रोक्योरमेंट सो दैट द रिस्क कॉस्ट एंड कंट्रोल कंसिडरेशंस आर प्रॉपरली बैलेंस्ड इन अ गिवन सिचुएशन। तो बात करें, आजकल जो बिजनेस रन किए जा रहे हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस कंडक्ट कर रही हैं, उसमें एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, जो भी आपके फंड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल या रिक्वायर्ड, उनको मैनेज करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंड्स होते हैं उनको मैनेज करता है, और इस तरीके से उनका मैनेजमेंट करता है जिससे कि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके और इस तरीके से उन फंड्स को प्रोक्योर किया जा सके। प्रोक्योर करने का मतलब यूज़ किया जा सके या फिर प्रोवाइड किया जा सके अलग अलग डिपार्टमेंट को, जिससे कि जो रिस्क होता है इन्वॉल्व्ड या फिर जो कॉस्ट होती है इन्वॉल्व्ड या जो कंट्रोल रिक्वायर्ड होता है उन पर्टिकुलर फंड्स को अलोकेट करते टाइम पर, वो प्रॉपरली बैलेंस किया जा सके हर सिचुएशन में, चाहे कोई भी सिचुएशन हो और किसी भी डिपार्टमेंट को आपका फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, तो उनसे रिलेटेड जो भी रिस्क कॉस्ट या कंट्रोल रिक्वायर्ड होगा वो प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, ये टास्क आपका फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। सो आई रिपीट, फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को के जो फंड्स होते हैं उनको मैनेज करता है, और इस तरीके से मैनेज करता है जिस तरीके से उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर किया जा सके और उनको इस तरीके से प्रोक्योर किया जा सके जिससे कि जो रिस्क कॉस्ट या कंट्रोल रिक्वायर्ड होगा उन पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड, वो प्रॉपरली बैलेंस किया जा सके इन एवरी गिवन सिचुएशन। ओके, तो इस पॉइंट को अच्छे से एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट से इज द फाइनेंशियल मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो क्रक्स में आप बोल सकते हो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स हैं उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट से इज द फाइनेंशियल मैनेजर पॉइंट्स आउट सिचुएशंस वेयर द फंड्स आर कैप्ट आइडल और वेयर प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स इज नॉट बीइंग मेड। तो गाइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। पहली सिचुएशन जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स अवेलेबल हैं और उनको यूज़ नहीं किया जा रहा प्रॉपरली, एंड सेकंड चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स हैं और उसको आप क्या कर रहे हो, किसी ना किसी को या किसी ना किसी यूजेज में डाल रहे हो, लेकिन वो यूजेज जो है वो आपका यूज़लेस है, उससे आपको रिटर्न नहीं आने वाला। तो इन दोनों सिचुएशंस को पॉइंट आउट करने का काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का, और ये दोनों ही सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए क्या है, हार्मफुल है, ध्यान रखिएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो पॉइंट आउट करता है दो पर्टिकुलर सिचुएशंस जिसमें कि फंड्स का लॉस होता है। पहली सिचुएशन जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड्स अवेलेबल हैं लेकिन उनको किसी भी टास्क के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा, और दूसरी सिचुएशन जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अपना फंड्स यूज़ तो कर रही है लेकिन यूज़लेस थिंग्स पर कर रही है या फिर ठीक से एलोकेट नहीं कर रही है। तो ये दोनों सिचुएशंस में फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, पॉइंट आउट करता है एंड इंश्योर की करता है कि हमारे जो फंड्स हैं वो प्रॉपरली यूज़ किए जाएँ और उससे अच्छा रिटर्न ऑब्टेन किया जाए सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन बिकम सक्सेसफुल। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नेक्स्ट स्लाइड में गाइस, अब हम डायग्राम के थ्रू कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आई लेट यू नो थ्री इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म्ड बाय अ फाइनेंशियल मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन।
तो हमारा फाइनेंस मैनेजर स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है फाइनेंस मैनेजर के थ्रू वो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, डिस्क्रिप्शन आपका आ चुका है स्क्रीन पर। दैट मीन्स प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल प्लान, प्रोजेक्टिंग रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स एंड फाइनेंसिंग नीड्स ओवर अ गिवन पीरियड। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है फाइनेंस मैनेजर के थ्रू वो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंस प्लानिंग होती है उसका टास्क होता है फाइनेंस मैनेजर का। अब इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें आपके जो फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें आपकी यू नो रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर और फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट जो होगी ओवर अ गिवन पीरियड उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो फाइनेंशियल प्लान्स को प्रिपेयर करता है, जिसमें आपके कितने रेवेन्यूज़ रिक्वायर्ड होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स होगी आपकी किसी पर्टिकुलर पीरियड में, उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा बाय दी फाइनेंस मैनेजर। नाउ द सेकेंड की एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय दी फाइनेंस मैनेजर इज़ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी आपकी क्या की जाती है, जो डिसीजंस होते हैं वो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो फाइनेंस मैनेजर करता है। अब क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, डिस्क्रिप्शन आ चुका है। दैट मीन्स इन्वेस्टिंग द फर्म्स फंड इन प्रोजेक्ट्स एंड सिक्योरिटीज़ दैट प्रोवाइड हाई रिटर्न इन रिलेशन टू देयर रिस्क। तो एक फाइनेंस मैनेजर जो भी आपके डिसीजंस होते हैं फर्म में आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट में हो या किसी सिक्योरिटी में हो, तो वो इंश्योर करना कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से आपका हाई रिटर्न मिलेगा और आपका रिस्क कम से कम होगा। तो ये टास्क भी फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। तो ध्यान रखिएगा फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस भी लेता है, जिसमें आपका क्या होता है वो इन्वेस्ट करता है फर्म्स के फंड को उन प्रोजेक्ट्स एंड सिक्योरिटीज़ में जहां पर आपका हाई रिटर्न मिले और रिस्क आपका कम से कम हो। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की जो कि एक फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है और वो होता है फाइनेंसिंग से रिलेटेड। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, द मीन्स ऑब्टेनिंग फंड्स फॉर द फर्म्स ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड सीकिंग द बेस्ट बैलेंस बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। तो फाइनेंस मैनेजर आपका क्या करता है, आपकी जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो आपके डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड हो या फिर आपको किसी पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो उसके लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होता है उसको ऑब्टेन करना और आपका बेस्ट बैलेंस मेंटेन करना बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, ये काम भी फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। तो अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल एक्टिविटी कि आपकी फर्म को जब भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हो तो फाइनेंस को क्या कराना, आपका अवेलेबल कराना, फंड्स को आपका ऑब्टेन करना आपके फर्म्स के ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो आपका बैलेंस होता है डेब्ट एंड इक्विटी के बीच में उसको अच्छे से मेंटेन करना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का टास्क होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें आपकी बेसिक एक्टिविटीज़ बताई हैं। अगर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो गाइज आपको इतना ही करना है। अगर मान लीजिए 10 मार्क्स में आता है तो आपके जो फर्दर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उनको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, तो आई एम श्योर कि ये डायग्राम आपको क्लियर होगा एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो गाइज अब मैं आपको और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ बताऊंगा जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर परफॉर्म करता है। तो विल डिस्कस 9 अदर एक्टिविटीज़ जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं, एंड अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको इंक्लूड करनी पड़ेंगी। बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा आपको। सो फाइनेंस मैनेजर हमारा आ चुका है, तो सबसे पहली जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है फाइनेंशियल मैनेजर के थ्रू वो है एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होगी लेकिन हम इसको एलैबोरेट करके लिख रहे हैं। तो सबसे पहली जो की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है फाइनेंशियल मैनेजर के थ्रू वो ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है फ्यूचर में, उसको एस्टिमेट करना। ओके, आई रिपीट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको एस्टिमेट करना, इसको एनालाइज करना, ये काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का और सबसे पहली एक्टिविटी होती है। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ आर फाइनेंशियल मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन इज टू टेक कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो आपकी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है फाइनेंशियल मैनेजर के थ्रू वो होती है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से रिलेटेड, जिसमें वो डेब्ट और इक्विटी के एक बहुत
अच्छे कॉम्बिनेशन को चूज़ करता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डेप्ट ले लोगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ज़्यादा इक्विटी आप अगर यू नो इक्विटी के थ्रू फाइनेंस कराओगे तो आपकी ओनरशिप की प्रॉब्लम रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को लेना, ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। नाउ बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। So taking investment decision is the third important activity performed by a financial manager in the organization. किस एसेट में अपना फंड लगाना है, किस में नहीं लगाना, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना, तो ये डिसीजन आपका लेने का टास्क भी एक फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। ओके, सो आई एम श्योर ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटीज़। सो फोर्थ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी दैट is performed by a financial manager is to take dividend decisions. तो जितने भी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आपका क्या होता है, डिविडेंड पे किया जाता है। तो डिविडेंड डिसीजंस भी आपका लेना, ये किसका काम है, फाइनेंस मैनेजर का। क्योंकि डिविडेंड तो आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास फाइनेंस अवेलेबल होगा, आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप क्या डिविडेंड पे करोगे। Now the fifth important activity performed by a financial manager is to supply funds to all parts of the organization or cash management. तो पांचवी important activity जो कि एक finance manager को perform करनी होती है वो होती है cash management से related, या फिर आप बोल सकते हो कि organization के जो अलग अलग departments हैं जिन्हें funds की requirement है उन्हें funds supply कराना, ये भी आपकी financial manager की responsibility होती है। अब बात करेंगे हमारे सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इवैल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रेस्पेक्ट टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक बहुत ही क्रूशियल एक्टिविटी है जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को परफॉर्म करनी होती है। जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के फंड्स के थ्रू, तो उसके रिलेशन में जो भी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इवैल्यूएट करना और इंश्योर करना कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा हो, यू नो कंपेयरिंग दी फंड्स इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। तो ये भी काम आपका किसका है, फाइनेंशियल मैनेजर का। सो द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ फाइनेंशियल मैनेजर इज़ टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए तो बात करेंगे फर्दर, थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर लेफ्ट, लेट्स डिस्कस देम। So point number 7 says the financial negotiations with banks, financial institutions and public depositors are done by the financial manager. So जो भी आपकी negotiations की जाती है related to finance with banks, financial institutions और public depositors, उसको undertake करना भी किसका काम है, financial manager का। तो financial manager क्या करता है, आपके जितने भी financial negotiations होती हैं organization की, चाहे वो bank के साथ हो, financial institutions के साथ हो या फिर public depositors के साथ हो, उन सबको डिस्कस करना भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, एंड दी नेक्स्ट पॉइंट सेज कीपिंग इन टच विद स्टॉक एक्सचेंजेस इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म बाय दी फाइनेंशियल मैनेजर। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ में कैसे डील कर रही है, उसके साथ में कैसे टच में है, इसको इंश्योर करना भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। बिकॉज स्टॉक एक्सचेंजेस पर आपकी कंपनी के शेयर्स के प्राइस रिफ्लेक्ट करते हैं, जो मार्केट प्राइस होते हैं शेयर के वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और मार्केट प्राइस जो होंगे आपके शेयर के वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। बिकॉज शेयर होल्डर्स अपना इन्वेस्टमेंट उसी बेसिस पर करते हैं जिस बेसिस पर आपके मार्केट प्राइस होते हैं शेयर के। नाउ नाइन्थ पॉइंट सेज मैक्सिमाइजिंग बोथ द रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड टोटल वेल्थ ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजर को ये भी इंश्योर करना होता है कि जो आपका रिटर्न होता है शेयर्स पर वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, इसके अलावा जो टोटल वेल्थ है कंपनी की उसको इंक्रीज किया जा सके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर को परफॉर्म करनी पड़ती है। नाइन्थ पॉइंट आपको याद रखना है, मैक्सिमाइज करना बोथ किया रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स एंड टोटल वेल्थ ऑफ द कंपनी इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। सो गाइज यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कॉमेंट में मैंशन कीजिएगा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की।
एंड जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्ज़ाम्स।